हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त इंडस्ट्री में शशांक। दोस्तों, गूगल ने एक बहुत ही बढ़िया ऐप जो है लॉन्च किया है अभी फिलहाल जस्ट नाउ, और इसका नाम है नाइवरली। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ नाइवरली ऐप और कैसे आपको नाइवरली ऐप को यूज़ करना है। इसके लिए आपको जो है ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नाइवरली इंक जो है, पहले मैं बता दूँ आपको क्यों बनाया गया है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मतलब लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, और वो छोटी सी जो प्रॉब्लम्स है वो लोग चाहते हैं कि लोकल के कोई आदमी उन्हें बता सके, सलाह दे सके। लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो किसी को ये बता सकें कि भाई कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ मिल सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो किराए का मकान आप ढूंढ रहे हो, या आपको लोकल कोई गाइड चाहिए, लोकल कोई हेल्प चाहिए। तो एक कम्युनिटी ऐसी बना दी गई है आपकी लोकेशन के हिसाब से। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछिए क्वेश्चन, और उसका जवाब जो देगा वहाँ के ही लोकल कम्युनिटी के लोग आपको आंसर देंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछने और आंसर देने के लिए ये ऐप बनाया गया है, ताकि लोगों की आपको हेल्प मिल सके। तो भाई इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी पूछी आएगी, या आपको लॉगिन करने बोला जाएगा। तो आपकी जो सिस्टम में, मतलब आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी डली है वहीं से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसको आप सेलेक्ट करके लॉगिन कर लीजिएगा। अगर एक बार में लॉगिन नहीं होता है तो फिर से रिट्राई मारिएगा, 2-3 बार में लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि ये अभी ये ऐप डेवलपमेंट में है, इसका प्रॉपर अभी जो है ऐप का इंस्टॉलेशन इसको दिया नहीं गया है, लेकिन आपको फिर भी प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे जाके कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कि अब जैसे मैं जबलपुर का हूँ, तो मैं यहीं के लिए लोकल सवाल पूछूंगा। आप अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ के आप लोकल सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप कहीं और के सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लोकली पूछ सकते हैं लोगों से। जिसको आइडिया हो वो आंसर दे देगा, वर्ल्ड वाइड कोई ना कोई उसको देता है। उसी तरह ये लोकली बनाया गया है, ताकि लोकल आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो लोकली आपको यहाँ पर बताया जा सके। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पोस्ट करना है, और आपके क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर बटन बनी होगी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी है, उसमें क्लिक करना है। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन अभी पूछे हैं, वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। और जैसे ही उसमें कोई भी एक्टिविटी आती है तो वो क्वेश्चंस मैं नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पे आ जाएगा, और उस नोटिफिकेशन से जाके मैं चेक कर पाऊँगा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन है इसमें कितने आंसर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 0-0 आंसर, क्योंकि मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर आपको साथ ही साथ में दूसरे काम ये करना है कि आप लोगों को लोकल है, क्योंकि आप भी उसी जगह से, एरिया से बिलोंग करते हैं, तो लोकली आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्वाइप करते जाइए। जो भी क्वेश्चन आपको आपकी कैटेगरी से लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें अपनी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं और कॉन्टेंट बना सकते हैं। और हालांकि इससे आपको प्रॉफिट भी होगा, बिजनेस भी मिलेगा, और जिस भी रिलेटेड से आप उस एरिया से नॉलेज रखते हैं उसका आप आंसर देने के लिए आपको उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। और करने के बाद में क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके नीचे आंसर का ऑप्शन है, आंसर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और करने के बाद में आप दूसरों के आंसर भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं जिन्होंने दिए हैं। अगर आपको कोई आंसर सही लग रहा है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो है आपको यहाँ पे सिंपली अपना आंसर देना है, तो आंसर के नीचे इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो भी आप वहाँ का देना चाहते हैं आंसर। इसका जो भी सही समझ में आता है वो आंसर आप यहाँ पर लिख के पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड का भी बटन दिया है आंसर में, जिसमें आप रिकॉर्ड के बटन को दबा के आप बोल सकते हैं और वो आंसर आपका लिख जाएगा, और उसको आप जो है सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं और क्वेश्चन पूछा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन है, नोटिफिकेशन जो मैं बता रहा था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके क्वेश्चन आंसर में आती है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका यही यूज़ है। इसके अलावा अगर आप लोकेशन अपनी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड नाइबरहुड आप डाल सकते हैं, और इसके बाद में आपके एरिया के आसपास कौन सा एरिया है जहाँ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो लोकेशन आपकी यहाँ से ऑटोमेटिक सर्च कर लेगी, और उसके आसपास जो भी लोकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
और सेलेक्ट करने के बाद में वो लोकेशन जो है आपको उसी एरिया से आसपास जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर दे रहे हैं वो आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों इसको यूज़ करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बनी रहिए टेक विला में, स्टे रहोगे।